चर्चा में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रेप SC ST एक्ट समेत कई आरोपों को कोर्ट ने खारिज किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई अपराध नहीं है ये कहना हाईकोर्ट का, और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 10 लाख बता दें कि 23 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई हुई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंदेल जी, यहाँ पे पलाश चंदेल को पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन आज देखिए हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जी निश्चित रूप से, हमने पहले भी कहा था कि हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और विश्वास है, और मैं न्यायालय के प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये सत्य की जीत है। राजनीति में जो भी लोग सामने हैं उनको हल्के और स्तरहीन राजनीति से बाज आना चाहिए। ठीक है, हमें शुरू से मालूम था कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है जी, और माननीय न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और हमने शुरू में ही कहा था कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमें न्यायालय के निर्णय पर पूरा विश्वास है। तो इन लोगों ने भी उस समय इस प्रकार के मनगढ़ंत और फर्जी और असत्य आरोप लगाए। अब मैं उनसे चाहूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ठीक है, नारायण चंदेल जी, देखिए जाहिर सी बात है वो एक कठिन दौर था, एक बाद एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। अब आप कांग्रेस को क्या कहना चाहोगे? मैं वही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में स्तरहीन राजनीति करना छोड़ें, और व्यवस्था का विरोध करें, व्यक्ति का विरोध मत करें। राजनीति में हल्कापन किसी के लिए भी उचित नहीं जी। और कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि जो समय जिन्होंने बिना तथ्य के फर्जी तरीके से असत्य आरोप लगाए, अब क्या वे माफी मांगेंगे क्या? और सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, अपना कीमती समय